ये है बाहर का आज का व्यू। आज का ब्रेकफास्ट हमारा कैसा ब्रेकफास्ट? डाइट कर रहा है। अभी यहाँ से हमें जाना है फुकेट फ्रॉम बैंकॉक, तो चलते हैं फुकेट। गाइड फाइनली मिल गई। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है day 3 और अभी जस्ट सुबह हुई है और मैं सो के उठ गया हूँ। अभी यहाँ पे बजे हैं 8 और इंडिया में बजे होंगे 6, तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ और अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने नीचे और देखते हैं आज का मेन्यू क्या रहता है। कल का मेन्यू थोड़ा अलग था, आज वही सेम मेन्यू मिला तो दिमाग ख़राब होने वाला, क्योंकि वही वही खाना खा के बोर हो गए। थोड़ा डिफरेंट मिलना चाहिए। और आज यहाँ से चेकआउट भी करना है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे फुकेट के लिए। 12 बजे हम यहाँ से चेकआउट करेंगे, 2 बजे तक हमें वही कस्बे टाइम बिताना है। 2 बजे के बाद कैब आएगी हमें लेने के लिए, उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से हम फुकेट के लिए, 1 घंटे की फ़्लाइट है, और फिर फुकेट में दूसरे होटल में चेक इन करेंगे, फिर वहाँ रहेंगे। आज शायद कहीं घूमना नहीं हो पाएगा, फुकेट में ही घूमेंगे आसपास। फिर उसके बाद कल से फिर बीच वगैरह है जो भी है घूमने के लिए वही घूमेंगे। कल का क्या प्लान? कल कहाँ, कौन से बीच जाना है मंगेश? कल सिटी टूर है पूरा। अच्छा, कल सिटी टूर है फुकेट का पूरा। उसके बाद डे बाई डे पता चलता जा रहा है, एक लिस्ट है, बट मैं लिस्ट पे अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं एक दिन पे क्या डेली का शेड्यूल रहता है उस पर देखता हूँ। तो अभी ये है बाहर का आज का व्यू। काफ़ी अच्छा है अभी, बट नींद बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। और यही है कि खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो अभी बस है 1-2 रेस्टोरेंट पास में, यहाँ होटल के पास तो मिल गया था एक छोटी वाला, और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, अच्छा है, तो ठीक था। पता नहीं फुकेट जाएंगे, फुकेट में वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती, सेम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आसपास हो तो अच्छा। ये एरिया यहाँ का जो था हमारा पटाया का बहुत सही था, यहाँ पे जो हम रुके हैं आसपास एरिया बहुत सही था, अच्छा मार्केट था, कुछ घूमने के लिए काफ़ी अच्छा था। अब है डिपेंड करता फुकेट का होटल कैसा रहेगा, क्या रहेगा, खाना पीना कैसा रहेगा। चलो मैं चलता हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने और दिखाता हूँ वहाँ का मेन्यू वगैरह क्या है। कुछ अच्छा रहा तो दिखाऊंगा, नहीं रहा तो खा के निकल जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने? Yes. क्या पकड़ा है हाथ में? चलो जा रहे ब्रेकफास्ट करने के लिए, भूख लगी बहुत तेज। लॉबी आज का ब्रेकफास्ट हमारा कैसा ब्रेकफास्ट? आज पकौड़ी वगैरह रखा हुआ इन्होंने। ये बाहर का व्यू, स्विमिंग पूल, और ये हमारा आज थोड़ा मेन्यू चेंज है। आज इन्होंने पकौड़ी रखा हुआ है, पोहा रखा हुआ है, फ्रंट है, और ये फ्रूट या फ्रूटी से खाने के लिए, और ये सलाद खा रहा है डाइटिंग पे, डाइट कर रहा है तो सलाद भी खा रहा है। So diet conscious, so fit you are. जा रहे स्विमिंग करने के लिए वापस से, ब्रेकफास्ट हो गया, अब स्विमिंग कर लें। ठीक, जाने से पहले एक बार, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्विमिंग करने के लिए। करते हैं और निकलते हैं। चलो ये तो है कि चलो स्विमिंग का मजा तो ले पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। पूल अच्छा है यहाँ का, काफ़ी पानी बहुत अच्छा है और गहरा भी है। मैं भी शायद 9 फीट होगा, मेरी हाइट से भी ज़्यादा गहरा यहाँ पे। मेरी हाइट 6'2" है और वो उसके बाद ही मैं डूब जाता हूँ। कौन सा फ्लोर आ गया? 5th फ्लोर है ये तो। फर्स्ट फ्लोर मिया।
वीडियो नहीं, फोटो फोटो। गोल्डन बीच होटल। अरे उमेश क्या बड़ा नहा रहा है, स्विमिंग एंजॉय, मजा आ रहा है। और क्या चालू है तेरा? पटाया से मुझे ले रहा है तुम्हें, सही है, बहुत अच्छा, पानी बहुत ठंडा है। तो स्विमिंग हो गई, सब हो गया, अब जा रहे हैं वापस रूम। अब यहाँ से देखो चेकआउट करना है और फुकट के लिए निकलना है। आज का दिन तो हो गया, यहाँ पे स्विमिंग पूल का लास्ट दिन था यहाँ पे। अब पता नहीं उस होटल में स्विमिंग पूल होता है या नहीं होता, चलो देखते हैं, निकलते हैं जाके होटल में, रूम में जाके नहाते वगैरह फ्रेश होते हैं। तो आज रेडी हो गए हैं, अभी बस जा रहे हैं चेकआउट करने के लिए। यहाँ से पटाया का ट्रिप कम्प्लीट हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं फुकट। बट अभी 2 बजे की कैब है, अभी 3 घंटे हैं हमारे पास, तो बैग वगैरह सब रख देते हैं नीचे लॉबी में, उसके बाद फिर निकलेंगे बाहर से आसपास घूमने के लिए, फिर कैब से जाएंगे एयरपोर्ट, फिर वहां से फुकेट, फिर फुकेट में होटल में चेक इन करेंगे, फिर देखते हैं क्या प्लान रहता है। यहाँ पे चलेगा अच्छा है तेज। जरूरत क्या है तेरे को डलवाने से? फोटो लिया जा रहे हैं हम लोग फुकेट के लिए, यहाँ से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से फिर जाएंगे फुकेट। 1 घंटे की जर्नी है अभी, तो यहाँ से 2 घंटे लग जाएंगे एयरपोर्ट जाने में। तो निकलते हैं अब यहाँ से, बाय बाय गोल्डन बीच। बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अभी यहाँ से हमें जाना है फुकेट। तो अभी फ्लाइट को टाइम है 2 घंटे, यहाँ से फिर निकलेंगे फुकेट के लिए। काफ़ी भीड़ नहीं, बिल्कुल भीड़ नहीं है एयरपोर्ट में, खाली है, काफ़ी अच्छा वो है, सही लग रहा है, धूप निकली हुई है। अभी हम बैंक डॉन म्योन, तो अभी कुछ खा पी के फिर निकलेंगे यहाँ से, फ्लाइट पकड़ेंगे। अभी कुछ खा लेते हैं, और लंच तो होगा दोपहर का, लंच दोपहर को स्किप हो गया है। सो अभी सोच रहे हैं कि लंच वगैरह कुछ कर ले, शाम हो गई यहाँ पे, 5 बज गए, तो अभी लंच करके फिर निकलते हैं, फ्लाइट कैच करते हैं। शॉपिंग एयरपोर्ट में शॉपिंग कर रहा है?
20% ऑफ लिखा है तेरे किस पे ये सब में ये देख टोपी अच्छी लग रही है भाई हां पूछे क्या कितने का अच्छी तो लग रही है चलो देखते हैं अरे चेक तो कर ले कुछ समझ में आ रही है पैन कैप देख इधर दिखा इधर दिखा सही लग रहा है व्हाट इज द कॉस्ट 260 फुकेट फ्रॉम बैंकॉक Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to to yaar traveling le yes Phuket jaane ki taiyar hai Phuket to chalte hain Phuket flight finally mil gayi hai kafi wait karna pada flight ke liye haan ji ab jaate hain फ्लाइट 10-15 मिनट लेट हो गई ना चलो कोई सर दर्द हो रहा है मेरा काफ़ी हेडेक हो रही है भी किया क्या खा रही है सो पहुंच गया फुकेट फाइनली कैसा लग रहा है फुकेट पहुंच गए I don't have got the SIM of Thailand. I have the Indian. Indian number. This is WhatsApp number. Okay. But it's not active because without Wi-Fi I can't access. Yes. Okay, this is. Okay. Plus 91. Okay. India. Okay. ये van मिल गई हमें जाने के लिए होटल यहाँ से ना होटल निकल रहे हैं असली होटल और असली हब जा रहे हैं यहाँ से हम लोग रात के बजे 10 और बस पहुँचने वाले एक घंटे लगेंगे यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर है क्या लगता है कितना टाइम लगेगा एक घंटे पहुँच के सो जाएंगे 11 बजे दो लोग के हिसाब से काफ़ी बड़ी नहीं गाड़ी ऐसा दिया तो ये होटल आ गए हम लोग रूम और ये रूम थोड़ा अच्छा है पिछले बार से और डिफरेंट भी है काफी सोफा बाथरूम और टीवी बालकनी भी है यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है बाहर का बहुत ही अलग है लाइट चल कर यहाँ की बाथरूम की ये बाथरूम बाथटब दिया यहाँ पे तो अरे वाह बहुत सही है ओहो तो ये रूम काफी अच्छा है एकदम बड़ा है रूम लास्ट टाइम से काफी बड़ा रूम दिया इस बार और ये यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सही है एकदम ओहो हाँ हाँ रिलैक्स करने के लिए तो सबसे बेस्ट है ये जगह अरे काफ़ी एकदम कंफर्टेबल है रूम और बहुत अच्छा है लास्ट टाइम जो अभी के गोल्डन बीच में रुके थे उससे बेटर ये है और काफ़ी स्पेशियस है काफ़ी यहाँ पे बहुत सही लग रहा है अभी तो रात है कोई बाहर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कल सुबह जैसे कल सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कि बाहर का कैसा वो है कैसा मार्केट है अभी तो बस ऐसे गाने वाने बज रहे हैं पार्टीज वगैरह हो रही है
समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, सब अजीब लग रहा है। बट रूम अच्छा है, बाहर से उतना अच्छा नहीं लगा बट अंदर से काफ़ी अच्छा है रूम। जिम वगैरह सब कुछ है सुनने में आया, देखते कल सुबह जो भी होता है कैसा रहता है। सो अभी मैं फ्रेश होता हूँ और रात हो गई 11 बज गए, अब सोने की तैयारी करता हूँ। मिलता हूँ मैं कल के वीडियो में, कल क्या है नया दिखाता हूँ कल के वीडियो में क्या होता है। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।